नमस्कार दोस्तों, 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस। ये तो सब जानते हैं कि 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि इसी दिन हमारे देश के भगवान की जयंती आती है। जी हाँ दोस्तों, इसी दिन राष्ट्रमालिक आदिवासी क्रांतिकारी महामानव द ग्रेट इंडियन रॉबिनहुड के नाम से विश्वविख्यात महामानव भगवान टंट्याभिल का जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश का जननायक टंट्याभिल आज़ादी के आंदोलन में उन महान नायकों में शामिल है जिन्होंने आखिरी सांस तक अंग्रेजी सत्ता की नाक में दम कर रखा था। टंट्याभिल को इंडियन रॉबिनहुड भी कहा जाता है क्योंकि वह अंग्रेजों के भारत की जनता से लूटे गए माल को अपनी जनता में ही वापस लूटकर बांट देते थे। टंट्याभिल को टंट्या मामा के नाम से भी जाना जाता है। 26 जनवरी को उनकी जन्म जयंती मनाई जाती है, तो आइए जानते हैं उनकी शौर्य गाथा। इंदौर से लगभग 25 किलोमीटर दूर पातालपानी क्रांतिकारी टंट्याभिल की कर्मस्थली है। यही वह जगह है जहां टंट्याभिल अंग्रेजों की रेलगाड़ियों को तीर कामटी और गोफन के दम पर अपने साथियों के साथ मिलकर रोक लिया करते थे और इन रेलगाड़ियों में भरा धन, जवाहरात, अनाज, तेल, नमक आदि लूटकर गरीबों में बांट दिया करते थे। टंट्याभिल देवी के मंदिर में आराधना कर शक्ति प्राप्त करते थे और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर आसपास घने जंगलों में रहा करते थे। टंट्याभिल 7 फीट 10 इंच के थे और काफ़ी शक्तिशाली थे। उन्होंने अंग्रेजों को थका दिया था। कहा जाता है कि ट्रेनें भी उनको सलामी देती है। पातालपानी में आज भी वह मंदिर है जहां वह आया करते थे। मंदिर में टंट्या मामा की प्रतिमा और तस्वीर लगी हुई है। महू अकोला रेल लाइन पर मौजूद इस स्थान पर आज भी रेलगाड़ियों के ड्राइवर टंट्या मामा को सलामी देने के लिए रुकते हैं। कहा जाता है कि उनकी सलामी के लिए रेलगाड़ियां रोकी जाती थी। उसका वैज्ञानिक कारण यह भी है कि घाट सेक्शन उतरने से पहले रेलगाड़ियों के ब्रेक चेक किए जाते हैं, जबकि मान्यता है कि टंट्या मामा को सलामी देने के लिए रेल रोका करती है। बता दें कि 4 दिसंबर 1889 को उन्हें जबलपुर में फांसी दे दी गई थी। रॉबिनहुड बनने की कहानी। एक नए शोध के अनुसार उन्होंने 1857 में हुए पहले स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों द्वारा किए गए दमन के बाद अपने जीवन के तरीकों को अपनाया। टंट्या को पहली बार 1874 के आसपास खराब आजीविका के लिए गिरफ्तार किया गया था। एक साल की सजा काटने के बाद उनके जुर्म को चोरी और अपहरण के गंभीर अपराधों में बदल दिया गया। सन 1878 में दूसरी बार उन्हें हाजी नसरुल्ला खान यूसुफजई द्वारा गिरफ्तार किया गया। मात्र 3 दिनों बाद वे खंडवा जेल से भाग गए और एक विद्रोही के रूप में शेष जीवन जिया। इंदौर की सेना के एक अधिकारी ने टंट्या मामा को क्षमा करने का वादा किया था, लेकिन घात लगाकर उन्हें जबलपुर ले जाया गया जहां उन पर मुकदमा चला और 4 दिसंबर 1889 को उन्हें फांसी दे दी गई। शुरुआत में टंट्याभिल के विद्रोही प्रवृत्ति को उनके परिवार, समाज और राष्ट्र पर हुए अन्याय और अत्याचार से जुड़कर देखा गया। उन्हें डकैत, लुटेरा आदि इस प्रकार की अन्य उपाधि सामंतवादी जमींदारों द्वारा दी गई, क्योंकि ये लोग टंट्या के खिलाफ अंग्रेजी हुकूमत की पुलिस की सहायता चाहते थे, इसलिए टंट्याभिल को आरोपित किया गया। टंट्याभिल का परिवार भी इस अन्याय और शोषण का शिकार हुआ था। उनकी जमीन जमींदार पाटिल के पास गिरवी रखी थी, जिसका जबरन कब्जा कर ब्याज के रूप में वसूली जैसी बातों ने मानो गरीब किसानों, आदिवासियों के परिवार को नेस्त नाबूद कर दिया। वह निरंतर श्रम करने के बावजूद भी पेट भर खाना नहीं खा सकते थे। ऐसी स्थिति में महाविद्रोही टंट्याभिल का निर्माण हुआ था। टंट्या एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहते थे और मालदारों से माल लूटकर वह गरीबों में बांट देते थे। लोगों के सुख दुख में सहयोगी बनने लगे। इसके अलावा गरीब कन्याओं की शादी कराना, निर्धन और असहाय लोगों की मदद करने से टंट्या मामा सबके प्रिय बन गए, जिससे उनकी पूजा होने लगी। विदेश में कुशल तलवारबाज और तीरंदाज था जो अमीरों से
माल लूटकर गरीबों में बांट दिया करता था। जानिए कौन थे टेंटिया मामा। टेंटिया भील आदिवासी समुदाय के सदस्य थे और उनका वास्तविक नाम टुंड्रा या टंड्रा था। इतिहासकारों के अनुसार सन 1842 में खंडवा जिले की पंधाना तहसील के बड़दा में भाव सिंह के घर टंट्या का जन्म हुआ था। पिता ने टंट्या को लाठी गोपन और तीर कमान चलाने का प्रशिक्षण दिया। टंट्या ने विद्या के साथ साथ लाठी चलाने और गोपन कला में भी दक्षता हासिल कर ली। युवावस्था में ही अंग्रेजों के सहयोगी साहूकारों की प्रताड़ना से तंग आकर वह अपने साथियों के साथ जंगल में कूद गया। टंट्या मामा भील ने आखिरी सांस तक अंग्रेजी सत्ता की ईंट से ईंट बजाने की मुहिम जारी रखी। उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा भी चलाया गया, लेकिन वे उसमें निर्दोष साबित हुए। आदिवासी लोकगीतों के अनुसार टंट्या भील का जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की पंधाना तहसील के ग्राम बड़दा में संक्रांत के 12 दिन यानी कि 26 जनवरी 1842 में हुआ था और यह ऐतिहासिक तथ्य से भी प्रमाणित हो चुका है। उनकी क्रांतिकारी गतिविधियां 1878 से 1889 तक रही। 1889 में उन पर जबलपुर में मुकदमा चला और 4 दिसंबर 1890 को उन्हें फांसी दे दी गई। इस प्रकार वे अपने समाज और अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए और हमेशा के लिए अमर हो गए। ऐसे महामानव को कोटि कोटि नमन, जोहार वंदन, जय टंट्या, जय जोहार।